नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन देव का नमो पथ पर चलती कार के ऊपर खड़े होकर स्टंट करते युवाओं का वीडियो सामने आया। चलती कार पर खड़े होकर खुद की और लोगों की जान को खतरे में डालकर स्टंट करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग। सिलवासा बहुमंजिला परिसर में 12 गाड़ियों से पेट्रोल और पार्ट्स चुराता युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद। पलसाड़ के तीथल समुद्र तट किनारे पर बैनर लगाकर पर्यटकों के लिए 2 जून तक तीथल बीच बंद। अरब सागर में लहरें, तेज हवाएं चलने का अनुमान। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह, तंत्र अलर्ट। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दमन देव का नमो पथ पर चलती कार के ऊपर खड़े होकर स्टंट करते युवाओं का वीडियो सामने आया। दमन देव का बीच नमो पथ पर चलती कार पर खड़े होकर स्टंट करते युवकों का वीडियो सामने आया है। पर्यटकों की पसंदीदा जगह संघ प्रदेश के दमन में दूर दूर से लोग मौज मस्ती करने आते हैं। दमन के विकास के बाद यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, तब चलती कार पर खड़े होकर खुद की और लोगों की जान खतरे में डालने वाले शख्स का स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ था। देव का बीच नमो पथ पर कार के ऊपर की खुली खिड़की से एक युवक के चढ़ने और दूसरे के खड़े होकर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चलती कार में इस तरह का स्टंट करने वाले युवक अन्य राहगीरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके चलते दमन पुलिस ने नमो पथ पर रात्रि गश्त बढ़ा दी है और खतरनाक स्टंट करने वाले युवकों पर कार्यवाही की मांग की जा रही है। मान्य सर्वे दमनगा ए ब्रिज। सिलवासा बहुमंजिला परिसर में 12 गाड़ियों से पेट्रोल और पार्ट्स चुराता युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद। सिलवासा में बहुमंजिला परिसर में बिल्डिंग के नीचे पार्क की गई 12 से 15 जितनी गाड़ी के कांच और टैप निकाल ले जाते युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। काफी दिनों से गाड़ियों की पार्ट और पेट्रोल चोरी करते नजर आ रहा था। आज जब सीसीटीवी कैमरे में देखा गया कि वो गाड़ी की डिक्की खोलकर और कुछ डिक्की में पैसे रखे थे, वह भी उड़ा ले गए। अब शाम को पुलिस को शिकायत करने जाएंगे तो समिति के लोगों ने कहा कि वहां खुद पुलिस रहती है और टीचर रहते हैं। अब सीसीटीवी के आधार पर पुलिस को शिकायत की जाएगी, ऐसा समिति बहुमंजिला परिसर के लोग कह रहे हैं। बस ये टू व्हीलर जो एक्टिवा मोपेड है उसमें से पेट्रोल का बहुत सारे पेट्रोल की चोरी हुई है और उसके वीडियो फुटेज भी हमारे मोबाइल में आ गई है। पेट्रोल ही चोरी हुई है या फिर गाड़ी भी चोरी हुई है? फिलहाल मेरी गाड़ी में तो सिर्फ पेट्रोल है, दूसरे की गाड़ी में पता नहीं है। तो आप जब ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो सीसी कैमरे में जैसे दिख रहा है वो आपके पास है सीसी कैमरा? सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज है हमारे मोबाइल में। अच्छा, तो क्या केस कर रहे हैं पुलिस में? हाँ भैया, कब करेंगे? शाम तक हम लोग करवा देंगे। ये कौन सी जगह है? बहुमाली कॉम्प्लेक्स। आपका नाम? हेतल पटेल। कहाँ रहते हैं? ब्लॉक नंबर 21, रूम नंबर 3। ये एक ही नाइट में 12 से 15 गाड़ी में पेट्रोल पैसा था किसी के अंदर, किसी के अंदर पेट्रोल चोरी हुआ, किसी का कांच भी निकाल के लेके गया। परसों की नाइट की बात है 3 बजे की, तो हमारे इधर सीसीटीवी कैमरा एक जन के घर पे था तो उसमें लड़का दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारी पुलिस वाले से ही मांगे थे जल्द से जल्द लड़के को पकड़े। तो प्रशासन से हम लोग ये मांगे कि गवर्नमेंट सर्वर सोसाइटी है तो वॉचमैन की भी एक पहले वॉचमैन था लेकिन अभी 5 साल से नहीं है, तो ये सब चोरी का हो रहा है। वॉचमैन होना जरूरी। तो क्या क्या ये जो चोरी पेट्रोल निकलता है या गाड़ी के पास निकलता है? गाड़ी भी साइकिल पहले चोरी होता था। हाँ, पेट्रोल वेट्रोल सब निकाल कर लेके जाता है। अच्छा, तो कोई अभी तक पकड़ा उसमें पहचान में आ रहा है? पहचान में नहीं आ रहा। तो पुलिस केस किया है?
नहीं नहीं पुलिस चेक नहीं किया। तो कब करेंगे? पुलिस चेक बस अभी करेंगे। अच्छा, आपका नाम? जयपाल सोलंकी। वलसाड़ के तीर्थल समुद्र तट किनारे पर बैनर लगाकर पर्यटकों के लिए 2 जून तक तीर्थल बीच बंद। मौसम विभाग के भारी हवाओं और तेज लहरों के पूर्वानुमान के कारण मछुआरों को अरब सागर में समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है, जिसके चलते समुद्र तट पर एडवाइजरी बैनर लगाकर वलसाड़ प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। वलसाड़ जिले के मछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। वलसाड़ जिले के 700 नावों से बड़ी संख्या में मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ते हैं। वलसाड़ के समुद्र में तैरने और किनारे पर चलने पर रोक लगा दी गई है और पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जिले के नारगोल उमर गांव के मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तेज हवाओं और ऊंची लहरों के कारण मछुआरों को भी समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। वलसाड़ जिले में नारगोल उमरगांव और वलसाड़ में समुद्र में तैरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ઉગનદારી 29 થી 2 જૂન સુધી એક આગાહી આવી છે કે જેમાં 30 થી 35 નોટ પવન ફૂંકાશે, જેના કારણે હાઈ ટાઈડ થવાની સંભાવના છે। એટલે બીચ ઉપર કોઈ પાણીમાં ઉતરે અને કોઈ દુર્ઘટના ન બને એટલા માટે પ્રિકોશનના ભાગરૂપે થઈને આપણે બંધ કરાવ્યું છે। અને ત્યાં પોલીસ જવાનો પણ તૈનાત કરેલા છે, હોમગાર્ડ્સ પણ છે અને આજની સ્થિતિએ પણ ટોટલ 9 કર્મચારી ત્યાં હાજર છે। સાથે સાથે આપણે બોર્ડ પણ લગાવેલા છે કે ઇમરજન્સીમાં કયો હેલ્પલાઇન નંબર એમને મદદ કરશે। અંદર સુધી જે બીચની પથ્થર સુધી એ લોકો જતા હોય છે ત્યાં સ્ટ્રિક્ટલી પ્રોહિબિટેડ કર્યું છે। બહાર આઉટસ્કર્ટમાં જે પાથ છે ત્યાં સુધી એ લોકો જઈ શકે છે, એટલે બીચની મજા ત્યાંથી માણી શકે છે। ખાણીપીણી છે, સહેલાણી ત્યાં ફરી શકે, પણ અંદર જવાની સ્ટ્રિક્ટ મનાઈ કરાયેલી છે। 30 થી 35 નોટની આગાહી આવી છે, વધીને 40 નોટ સુધી જઈ શકે છે। એક નોટ એટલે 1.8 કિલોમીટર પર અવર, એનો મતલબ જો 35ની સ્પીડે આવે તો 40 સુધી જાય તો 80 કિલોમીટર પર અવરની ગતિએ પવન ફૂંકાય, એટલે સાવચેતીના ભાગરૂપે એટલા જ મોજા ઊંચા ઉછળે એટલે આપણે અંદર સુધી જવા માટે મનાઈ કરાવેલી છે। ફિશરીઝ ડિપાર્ટમેન્ટમાં પણ જે માછીમાર આપણો દરિયા કિનારાનું છે નારગોલ અને તે, તો આપણે જે ફિશરીઝ ડિપાર્ટમેન્ટ છે વલસાડનું એની ત્યાં પણ એક એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે સાગર મિત્રો દ્વારા એમના ગ્રુપમાં, કે એમની જે જાહેરાત છે એમાં મચ્છીમારી એમને તે 45 થી લઈને 65 સુધી નોટના મોજા ઉછળવાની સંભાવના છે એવી એક ફોરકાસ્ટ થઈ છે, જેના કારણે એ પણ માહિતી બધાને પહોંચતી કરી છે કે કોઈ માછીમાર અંદર ન જાય બોટ લઈ। સામાન્ય રીતે માછીમારીનો ટાઈમ આ લોકોનો હોય છે 1 જૂનથી 31 જુલાઈ સુધીનો, અને પછી ત્યાં સુધીનો જે એમનો બ્રેક ટાઈમ હોય છે 2 મહિનાનો, એના પછી 1 ઓગસ્ટથી ફરીથી માછીમારી શરૂ થતી હોય છે। એટલે હવે 2-3 દિવસ ખૂટે છે કે જેમાં આપણા જિલ્લામાં લગભગ 1500 જેટલી બોટ નોંધાયેલી છે માછીમારીની, એ પૈકીની મોટાભાગની એટલે 1000 જેટલી બોટો તો જખૌ
અને ઓખા બંદરે જ રહે છે. બાકીની 500 જેટલી નાની બોટો વલસાડ જિલ્લાની છે એ તમામને સાવચેતી માટે જાણ થઈ ગયેલી છે. બાકીની બોટો ઉમરગામ, નારગોલ, નાની દાતી, મોટી દાતી, કોસંબા આ જગ્યાએ આપણી હોય છે અને તમામને સાગર મિત્ર દ્વારા એના ગ્રુપ સુધી જાણ થઈ ગયેલી છે કે બાકીના 2 તારીખ સુધીમાં પણ કોઈ વાણવટું કરે નહીં અને માછીમારી માટે જાય નહીં. पुलिस ने पहाड़ी तालुका के कलसर के पास रिक्शा में शराब ले जाते अवैध शराब तस्कर को पकड़ लिया. पहाड़ी पुलिस की एक टीम गश्त पर थी. इसी दौरान मिली सूचना के आधार पर निगरानी रखी गई. इसी दौरान एक रिक्शा को पुलिस ने रोका जिसमें शराब की बोतलें मिली. पुलिस ने रिक्शा चालक गणेश प्रभात भाई गोरसवा को पकड़ लिया और इस शराब के बारे में पूछताछ करते हुए अरविंद उर्फ सत्तो, जिसका पूरा नाम था नहीं जानता, उसने यह भरकर दिया और रेंट लाओ हनुमान मंदिर के पास ले जाने को कहा था. तब पुलिस ने उसे वांटेड घोषित किया. शराब, रिक्शा, मोबाइल सहित माल पुलिस ने जब्त कर लिया है और निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है. उमरगांव जीआईडीसी में इंटीरियर्स एंड मोर नामक कंपनी के तीसरी मंजिल के पैकिंग विभाग में आग लग गई. प्लास्टिक के फूल बनाने वाली एक कंपनी में आग लगते भगदड़ मच गई और कर्मचारियों को बाहर निकाला गया. आग लगने की घटना का पता चलने पर नगरपालिका सहित अधिसूचित और सरीगाम मिलकर 3 अग्निशमन कर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया. उमरगांव पुलिस अधिकारी भी काफिले के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए. इसमें पाया गया कि कंपनी में अपशिष्ट पदार्थ खतरनाक होने के बावजूद कंपनी की लापरवाही देखी गई. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया. सिलवासा में जल जनित बीमारी डेंगू मलेरिया से लड़ने के लिए पंचायत सचिवों को मार्गदर्शन दिया गया. सिलवासा की ग्राम पंचायतों के सचिवों को डेंगू व मलेरिया के खिलाफ कार्यवाही के
आदेश दिए गए। VBCH के डॉक्टर विक्रम खान ने पंचायत सचिवों को बरसात के मौसम में पनपने वाली जल जनित बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि की उत्पत्ति और रोकथाम के उपायों के बारे में विस्तार से बताया। पंचायत सचिवों को निर्देश दिया गया कि वे जल जनित बीमारियों के लक्षण को पहचाने और बताएं तथा बीमारियों से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर रेफर करें। सचिवों का दोपहर का भोजन भी दिन भर के प्रशिक्षण सत्र स्थल पर आयोजित किया गया था। सामरवरणी हॉल में आयोजित प्रशिक्षण में मसाट, किलवाणी, दपाड़ा, आंबोली, दादरा, नरोली आदि पंचायतों के सचिव मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग 31 मई को खानवेल पंचायत घर में शेष पंचायतों के सचिवों को डेंगू और मलेरिया से संबंधित जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रशिक्षण देगा। तो धीरे 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 वो कम होता चलेगा और फिर तो ये है इस तरीके से डेंगू बुखार। इसमें आपने अंडे देने के लिए हमेशा पानी की जरूरत हो, वो हमेशा पानी में ही अंडे दे। तो जहां पे पानी खरा है वहां पे मच्छर हो, पर मच्छर के अलग अलग टाइप होते हैं। हमें तो मच्छर को खास करके ध्यान रखना है, इससे डेंगू होता है वो साफ पानी में होता है। जो पानी एकदम क्लीन है, क्लीन मतलब जैसे अगर आपने बकेट में पानी भर के रख दिया आपके घर के सामने, उसमें पक्का हो। लेकिन एक रोड पे गड्ढा बना हुआ है, उसमें पानी भर गया, उसमें एक डेंगू का मच्छर कभी भी अंडे नहीं देगा, क्योंकि उसके अंडे हमेशा साफ ही पानी में, गंदे पानी में दूसरे मच्छर अंडे देते हैं। तो इसलिए हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी कि जहां पे भी साफ पानी है उसको आइडेंटिफाई करें, ठीक है। एक बार अगर उसने अंडा दे दिया तो अंडा देने के बाद उसकी अलग अलग स्टेज होंगे, 7 दिन के बाद अंडे में से मच्छर बाहर आए। यानी अगर आज अगर अंडा दिया गुरुवार को, जैसे अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जब आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे तो यहाँ पे 3-4 दिन के बाद वाली स्टेज है, कुछ 6-7 दिन वाली स्टेज है कि आप शाम तक अगर आप देखोगे तो उसे कुछ मच्छर आके ऊपर में जमा हो जाए। यानी अलग अलग स्टेज वाले उसमें है कि कुछ अंडे हैं, कुछ उसके बाद के लार्वा है, कुछ उसके बाद के पुपा है, कुछ अभी शाम तक उसमें मच्छर जमा है। तो इसलिए हमें जब भी आप फील्ड में ध्यान रखोगे मुंह ऐसी जगह से करना है, हमें क्या क्या देखना है कि जहाँ पे साफ पानी। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। दमन देव का नमो पथ पर चलती कार के ऊपर खड़े होकर स्टंट करते युवाओं का वीडियो सामने आया। चलती कार पर खड़े होकर खुद की और लोगों की जान को खतरे में डालकर स्टंट करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग। सिलवासा बहुमंजिला परिसर में 12 गाड़ियों से पेट्रोल और पार्ट्स चुराता युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद। पलसाड़ के तीथल समुद्र तट किनारे पर बैनर लगाकर पर्यटकों के लिए 2 जून तक तीथल बीच बंद। अरब सागर में लहरें, तेज हवाएं चलने का अनुमान। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह, तंत्र अलर्ट। तो ये थी अब तक की खबरें, पर मिलते हैं और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए तमन न्यूज़। नमस्कार।